टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। आज भारत में कुल आबादी की एक तिहाई जनसंख्या में टीबी का इन्फेक्शन पाया जाता है। भारत ही नहीं, आसपास के देशों सहित पूरे विश्व में इस घातक संक्रमित बीमारी ने अपना कहर बरसा रखा है। टीबी की बीमारी व इन्फेक्शन आज भारत के हर वर्ग में आम हो गया है। टीबी की बीमारी को लेकर समाज में ढेरों भ्रांतियां हैं और काफी जानकारी का अभाव भी। बीमारी पर ज्यादा जानकारी के लिए श्वास एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तलहा शाद, जो कि फ्रांस एवं अमेरिका से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, उनसे जानकारी ली तो उन्होंने इस बीमारी से संबंधित कई पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि टीबी एक संक्रमित घातक बीमारी है जो सूक्ष्म जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के फैलने से होती है। चूंकि ये एक संक्रमित रोग है, इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है। उधर उन्होंने काफी चौंका देने वाले आंकड़ों के बारे में बताते हुए बताया कि प्रत्येक सेकंड में एक व्यक्ति टीबी इंफेक्शन से ग्रसित होता है। साथ ही टीबी की बीमारी इतनी घातक होती है कि आज भारत में एक मिनट में 3 मृत्यु टीबी के कारण होती है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि काफी कॉमन है, भारत में ही नहीं अनेक देशों में। और आपको ऐसा लगता होगा कि टीबी सिर्फ भारत में और पाकिस्तान में और यहीं आसपास के देशों में सिर्फ होती है, ऐसा नहीं है। मैं अमेरिका और फ्रांस में भी काम कर चुका हूँ, वहाँ भी टीबी काफ़ी कॉमन है। टीबी एक संक्रामक घातक बीमारी होती है। ये एक सूक्ष्म जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के फैलने की वजह से होती है। आज के समय में एक तिहाई से ज़्यादा दुनिया की आबादी को टीबी का इन्फेक्शन है और प्रति सेकेंड एक नया व्यक्ति को टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है। सिर्फ भारत में एक मिनट के भीतर 3 मृत्यु टीबी की वजह से होती है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें सागर की तो यहाँ बीड़ी उद्योग होने के कारण इस बीमारी का प्रकोप कुछ ज्यादा देखने को मिला है। सागर शहर में एक अलग से बीड़ी अस्पताल टीबी अस्पताल भी है, लेकिन अब तक इस रोग पर काबू नहीं किया जा सका है, जिसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी की कमी व जागरूकता का अभाव। इसके साथ ही एक प्रमुख कारण है डॉक्टरों व मरीजों द्वारा इलाज में लापरवाही, जिस कारण ये घातक बीमारी दिन ब दिन अपने पैर पसारती जा रही है।